आरसीबी की टीम को लेकर गाइस यहां पे आज काफी सारी अपडेट आ रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे एबी डिविलियर्स के बारे में। तो गाइस यहां पे एबी डिविलियर्स ने स्टेटमेंट दिया। एबी डिविलियर्स के स्टेटमेंट के बाद गाइस यहां पे विराट कोहली ने स्टेटमेंट दिया, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। लेकिन गाइस उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले गाइस यहां पे एबी डिविलियर्स के बारे में। तो गाइस यहां पे एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली को लेके गाइस उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जहां पे आप लोग इस चीज को रीड कर सकते हो। और अगर हम लोग आईपीएल 2022 की बात करें तो विराट कोहली के बल्ले से गाइस हम सभी को रन गाइस यहां पे ना के बराबर देखने को मिले। अगर हम लोग विराट कोहली की बाकी आईपीएल सीजन की बात करें तो गाइस यहां पे कमाल के टॉप क्लास परफॉर्मेंस देखने को मिलते थे। लेकिन इस सीजन गाइस हम सभी को विराट कोहली के बल्ले से रन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले और परफॉर्मेंस भी हम सभी को विराट कोहली से देखने को नहीं मिला है इस आईपीएल में। तो गाइस यहां पे एबी डिविलियर्स ने इसी को लेके गाइस उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, बट इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग एबी डिविलियर्स के साथ हैं या नहीं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग जरूर बताइएगा। गाइस हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा विराट कोहली के बारे में। तो गाइस यहां पे विराट कोहली ने भी गाइस यहां पे एबी डिविलियर्स को लेके स्टेटमेंट दिया। अब गाइस यहां पे जेव स्टेटमेंट दे रहा तो फिर कैसे स्टेटमेंट ना दे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अब जब एबी डिविलियर्स स्टेटमेंट दे रहे तो विराट कोहली भी स्टेटमेंट दे रहे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जहां पे आप लोग इसको रीड कर सकते हो कि विराट कोहली ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया। अगर हम लोग एबी डिविलियर्स की बात करें ना, तो सच्ची में यार विराट कोहली भी उनको मिस कर रहे हैं और हम लोग तो और भी ज्यादा मिस कर रहे हैं। हमसे ज्यादा मिस मैं मानता हूँ कि विराट कोहली कर रहे हैं, क्योंकि नेट में गए उनको सजेशन भी देते थे एंड जब साथ में बल्लेबाजी करते थे तो किस तरीके से बल्लेबाजी करना है, किस तरीके से शॉट लगाना है, उनके बीच में बातचीत होती थी। विराट कोहली एबी डिविलियर्स का पार्टनरशिप और गाइस यहां पे ये दोनों जब बैटिंग करते थे तो आरसीबी का हार्ट बीट गाइस यहां पे बल्लेबाजी करता था, हम लोग जानते हैं उस चीज को। एंड विराट कोहली भी काफी मिस कर रहे हैं एबी डिविलियर्स को। हम लोग मिस तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं एबी डिविलियर्स को, आप लोग कर रहे हो नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं तो काफी ज्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर चार पे बल्लेबाजी करने के लिए पहले आते थे, उसके बाद तीन नंबर पे आरसीबी के लिए बल्लेबाजी करने आते थे। कैसी भी हो परिस्थिति आरसीबी की टीम की, एबी डिविलियर्स आते थे आरसीबी की टीम को संभाल लेते थे। आरसीबी की टीम के लिए अगर जब भी वो अंत में जा रहे ना तो मैच सीधा लेकर जाते थे, आरसीबी के पक्ष में जाता था मैच। लेकिन अब वो एबी डिविलियर्स नहीं है तो थोड़ा सा आरसीबी की कहानी भी हम सभी को नहीं देखने को मिली है इस आईपीएल सीजन में। विराट कोहली नहीं चल रहे, फैफ डू प्लेसी नहीं चल रहे, फिर भी आरसीबी की टीम मैच जीत रही है, तो ये काफी अच्छी बात है। बट गाइस हम लोग उम्मीद करेंगे कि विराट कोहली ने गाइस पे जो स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग यहाँ पे चैंपियन बनने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से विराट कोहली ने कहा कि हम लोग टाइटल जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, तो गाइस हम लोग उम्मीद करेंगे। अब गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है आरसीबी के प्रैक्टिस कैंप की तरफ से। तो गाइस पे आरसीबी की तैयारी जो कि पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी है नेक्स्ट मैच को लेके। तो गाइस पे नेक्स्ट जो मैच आरसीबी की टीम खेलने वाली है संडे को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, और वहां पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अगर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को गाइस पे हरा देती है तो गाइस यहां पे आरसीबी की टीम गाइस पे अपना रास्ता जो कि पूरी तरीके से क्लियर कर सकती है। आरसीबी की जो गाइस पे प्लेऑफ की चांसेस है ना, वो अभी भी उनके हाथ में है, उनके कंट्रोल में है। अगर यहां पे लगातार सभी मैचेस जीतते तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। आपका किस्मत आपके हाथ में, किसी और के हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। तो गाइस यहां पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम संडे को ये मुकाबला जीतना चाहेगी और गाइस यहां पे संडे को ये मुकाबला हम सभी को देखने को मिलने वाला है सनराइजर हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में, और ये गाइस यहां पे 3:30 बजे से हम सभी को लाइव देखने को मिलेगा स्टार स्पोर्ट्स पे। तो गाइस यहां पे इस मुकाबले को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी? अगर हम लोग आरसीबी की टीम की बात करें तो गाइस यहां पे काफी अच्छे फॉर्म से गुजर रही है टीम एंड लास्ट मुकाबला गाइस यहां पे जीत कर आ रही है। और वहीं पे गाइस अगर हम लोग हैदराबाद की टीम की बात करें तो गाइस इनके पास गाइस यहां पे काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी की बात करें तो काफी कमाल के इनके पास गेंदबाजी भी है। तो गाइस यहां पे अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।